हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। आज है रविवार का दिन और संडे मींस फन डे। और अभी जस्ट हम बाहर निकल के आए थे किसी काम से, तो वी वेंट टू बैंड्रा एंड बैंड्रा में काम निपटाने के बाद अभी हम लोग घर वापस ही आ रहे थे कि भूख ने आक्रमण कर दिया हमारे ऊपर। क्यों? जीना हराम कर दिया मेरा, जीना हराम। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने, पेट पूजा करने। और अभी हम लोग जाएंगे योको सिजलर। एंड गाइस, सिजलर काफी अच्छा बनता है वहां पर, सो वी विल गो देयर एंड शो यू समथिंग। सो चलिए आइए चलते हैं और इस ब्यूटी को यहीं छोड़ के जाते हैं। वापस आके फिर मिलेंगे। चले से जाए। गाइस, सड़क पार करना एक वेरी डिफिकल्ट टास्क, सो वी आर नॉट यूज्ड टू क्रॉस द रोड। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं इस ब्यूटी के पास। सी, सो गाइस चलिए चलते हैं, हम निकले घर की तरफ। काफी टाइम बिता दिया, शाम के 5 बजे हैं तकरीबन और हम लोग सही टाइम पे पहुंच जाएंगे घर। सो या एक रास्ता तो ये जाता है सीधा, फिर लेफ्ट से चलें क्या, है ना? कि यहाँ तो रश बहुत ज्यादा है। सो गाइस, अभी हम लोग थोड़ा शॉर्टकट लेते हुए लेफ्ट से चलते हैं। एक्चुअली लेफ्ट से व्यू भी बहुत अच्छा होता है और भीड़ भाड़ भी नहीं मिलती है। सो आई विल शो यू दिस व्यू ऑल्सो। गाइस, ये रास्ता थोड़ा सा नैरो हो जाता है और काफी अच्छा बना दिया इन्होंने यहाँ पर। ये देखिए, बैठने वगैरह का सारा इंतजाम है। पहले हमें लगता था ये बस स्टैंड बनाए हुए इन्होंने, लेकिन सेटिंग अरेंजमेंट है। ये देखिए, बस स्टैंड की तरह लेकिन बैठने के लिए बहुत अच्छी चीज बनाई हुई है इन्होंने। और इसके आगे देखेंगे तो गाइस ये पूरी खाड़ी है, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने पानी ही पानी है और ये समुद्र की खाड़ी होती है। ये देखिए गाइस, कितना सुंदर नजारा है। और यहाँ पर मोस्टली कॉल सेंटर्स हैं ज्यादातर, और इसके अलावा और भी काफी अच्छी अच्छी मतलब ऑफिसेज काफी ज्यादा हैं इस एरिया में, तो एज यू कैन सी। और भी चीज दिखाऊंगा आपको। और एक गार्डन भी है देखिए, यहाँ पर लोग यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं। हम भी पहले आए थे एक बार, किसी और दिन चलेंगे टाइम निकाल के, आज तो टाइम थोड़ी शॉर्टेज है, फिर किस दिन जाएंगे। देखिए गाइस, लगता है इसमें टक्कर मार दी है इस ऑटो वाले ने और इसने इसका नुकसान कर ही दिया, भाग रहा है। चलो ठीक। और ये देखिए, यहाँ पर है सोनी एंटरटेनमेंट का ऑफिस भी, अभी शायद पेड़ों के जैसे नहीं दिख रहा है।
अभी हम लोग यहाँ से राइट लेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम है जो हम इंटरनल रास्ता ले सकते हैं, उसके बाद का रास्ता डेड एंड है, सो यहीं से हमें लेना पड़ेगा। और ठीक है, यहाँ तक भी आ गए तो हमने काफी सारा ट्रैफिक जो है पीछे छोड़ दिया है। गाइस देखिए, सारा ट्रैफिक हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया, बट जैसे ही रोड टच होने को है तो यहाँ पर रश फिर लग गया है और वी स्टक इन ट्रैफिक जैम। सो काफी अच्छा कि हमने शॉर्टकट लेके, वरना और भी बहुत ज्यादा पीछे होते हम, बट कांट हेल्प इट। सो गाइस अभी हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। देखिए आज पूरे रास्ते काफी ट्रैफिक मिला और बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने छोटा सा रास्ता भी बहुत लंबे टाइम बाद क्रॉस किया। सो जस्ट रीचिंग विद इन सम टाइम, उसके बाद घर के काम स्टार्ट हो जाएंगे। और बच्चे तो आज पड़ोस में शादी है किसी के यहाँ, तो उनके यहाँ घूमने फिरने गए हैं। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं और बस अभी घर में चलते हैं, फिर उसके बाद बाकी काम शुरू करते हैं। डॉग्स को भी घुमाना है, बट थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद सीधा काम में लगेंगे। बेब बेबो बिनी दे आर हैप्पी कि अभी हम लोग आ गए हैं। सो गाइस शाम का वक्त है, देखिए मौसम बड़ा सुहाना है और गर्मी में भी शामें थोड़ी ठंडी होती हैं, तो हम लोग घर आ गए हैं, सारे काम हो गए हैं और ये हैं फुर्सत के पल कुछ अपने साथ बिताने के लिए। तो गाइस शाम हो चुकी है जैसे कि आप देख रहे हैं, और जैनेट और आहान गए हैं, पड़ोस में शादी है जैसा कि आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। ये देखिए मैं आपको थोड़े सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए यहीं पर ये लोग गए हुए हैं और बिल्कुल हमारे पड़ोस में है। आई एम शोइंग दिस व्यू फ्रॉम माई टेरेस, देखिए कहाँ बैठे हैं ये तो नहीं पता लगेगा, बट हाँ यहीं पर गए हैं। पीछे स्विमिंग पूल भी है, इनको जब भी घूमना फिरना होता है यहीं चले जाते हैं। तो हम तो फिलहाल खुश हैं अपने टेरेस पे। देखो गाइस ये आ रहे हैं यहाँ, फिर बाइक पे सैर कर रहे हैं और ये घर के पीछे से ही देखो बाइक पे बैठ के आ रहे हैं। हो रही ना जाने, जल्दी आ। सो गाइस ये तो आ गए हैं शादी से और अभी पूछते हैं इनसे क्या क्या किया इन लोगों ने वहां पर, काफी एंजॉय किया। तो इनको लग रहा है कि इनकी ना डॉली टीचर की शादी थी, तो बेचारे वही सोच के वहां गए थे जबकि वो किसी और की थी। जैनेट कहाँ गए थे? कहाँ? अच्छा, बहुत सारे लोग थे। क्या हो रहा था वहाँ? शादी थी। अच्छा, किसकी शादी थी? ये तो मैं आपके लिए लाया हूँ, मैं इसीलिए तो बुलाया भैया को बोल के। खाओगे? देखो चलो। और आपको अच्छा लगा वहाँ पर? क्या क्या किया तुमने? मैंने पानी पिया और खाना क्या खाया? आहन को खिला, अदिति खिलाएगी बेटा। ऑरेंज कलर का होता है और ग्रीन कलर का। ये दीदी ने खिला दी।